नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूनम जैन। भोपाल में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस महकमे ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पुलिस के जवान शहर में जगह जगह तैनात हैं, तो कई थाना क्षेत्रों में पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। दुर्गा विसर्जन, चल समारोह, मुहर्रम और दशहरा के दौरान यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस ने रूट डाइवर्ट किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस के आला अधिकारी विभागीय बैठक के अलावा धर्म गुरुओं से संपर्क भी साधे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी शांति और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चल समारोह की व्यवस्था की विस्तृत तैयारियां कर ली गई हैं। अभी उस तैयारियों के लिए पहले तो एक तो जनसंवाद हमारे लगातार जारी थे। हमने थाना स्तर पर भी जनसंवाद किया है, दोनों मुहर्रम के परिप्रेक्ष्य में भी, और दुर्गा उत्सव में जो हमारा चल समारोह निकले अभी 28, 29, 30 को जो ताजी सवारियों का भ्रमण होगा, उनके रूट्स रहेंगे, कहाँ से आएंगे, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ उनका विश्राम होगा, और फाइनल जो 1 तारीख का जो बड़ा प्रोसेशन है, दशहरे का जो कार्यक्रम है 30 तारीख के, उन संदर्भ में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा सभी पक्षों से कर ली गई है। जो भी इसमें जिम्मेदार पक्ष हैं चर्चा कर ली गई है। पुलिस बल की जो तैनाती होती है वो अधिक से अधिक वहाँ पर की जाएगी। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज आज।